क्रेडिट स्टोरी है, मुझे मेरी पहली क्रश मिली फिफ्थ स्टैंडर्ड में। मुंबई बहुत फास्ट है तो वो मैं स्कूल में थी नेचुरली, और यार क्योंकि वो फिफ्थ स्टैंडर्ड है तो हमें काफी मासूमियत थी, और जो इनोसेंस वाला प्यार होता है ना वो बहुत सही होता है क्योंकि आपको कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्या चाहता था उस टाइम पे कि मैं उसके बाजू में बैठूं, टीचर मुझे कभी उसके सामने डांटे नहीं, मुर्गा तो बिल्कुल ही ना बने, हम कभी स्कूल ट्रिप पे चले जाए तो मुझे उसके बाजू वाला कमरा चाहिए होता था, क्योंकि जब भी हम लोग कैंपिंग या इसके लिए अनाउंसमेंट होते कि जाना है तुम उसके दरवाजे के पास पहुंच जाओ, दरवाजा खटखटा और बस इतना बोलूं चले। और लकीली एक तरफा नहीं था, ये बेस्ट होता है, अपना स्टार्टिंग से ही सेट था लाइफ तो एक तरफा प्यार नहीं था। और हर रिलेशन में है ना आपको एक अपेक्षा होती है अपने पार्टनर से, या एक मोमेंट होता है जो आप सोच के रखते हो कि भाई ये मोमेंट तो हमें क्रिएट करना ही है। तो मैं बहुत फिल्मी आदमी हूँ, मेरा मोमेंट ये था भाई मुझे डांस करना है स्टेज के ऊपर, स्पॉटलाइट चाहिए और स्टेज पे और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पिक्चर ऐसी देखी है। और यहाँ ये टाइम है जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई भगवान होता है, क्योंकि हमारा एक एनुअल फंक्शन था और उस टाइम पे मुझे और उसे सिलेक्ट किया गया एज डांसिंग पार्टनर्स। मैं कहा सही है, बहुत सही सेट लाइन। तो हम रिहर्स करते थे, प्रैक्टिस करते थे, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ अंटिल जिस दिन परफॉर्मेंस था उसके एक हफ्ते पहले मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा एक्स वाई जेड रीजन, और यार मेरा मोमेंट रह गया। और अभी क्योंकि मासूम बच्चे तो ऑलवेज वी गिव फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि वो टाइम पे ऐसी प्रथा होती है बच्चों में, तो सब मेरे लिए तोहफे लाए थे, वो भी एक तोहफा लाई थी, उसने मुझे एक रेड कैप गिफ्ट की थी और वो काफी बड़ी थी मेरे सर के लिए, मतलब बेसिकली बाप की चुरा के लाई थी, मतलब पैसे नहीं खर्च करने थे, बट क्योंकि उसने दी थी तो यार और मासूम ये तो हमने कहा ये तो संभाल के रखना ही है, कौन रखेगा, माँ को दे दिया, माँ संभाल के रखो। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड हो गया, सिक्स्थ हो गया, आई रीच माई 12th के बोर्ड्स हो गए, अब मैं फाइनली अपना स्ट्रीम चूज कर रहा हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड मास मीडिया करना। एक दिन अचानक बिफोर द एडमिशन प्रोसीजर्स वाज स्टार्टिंग मेरे फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉप अप हुई उसकी, इंस्टेंट मोमेंट भगवान एक्सेप्ट, चैट शुरू। हमने पूछा तुम क्या कर रही हो, मतलब व्हाट इज द फर्दर प्लान, तो उसने कहा मैं बीएमएम कर रही हूँ भगवान। फिर मैंने पूछा कि चलो और टेस्ट करते इस लक को, तो मैंने उसको पूछा कौन सी कॉलेज में, भलता कॉलेज, मैं भगवान ठीक है। तो मेरा एडमिशन प्रोसीजर था वेनेसडे को, उसका था थर्सडे को, तो हमने डिसाइड किया चलो फ्राइडे को मुलाकात करेंगे। अब मैंने क्योंकि मैं फिल्मी आदमी हूँ तो मैंने फुल सेट कर लिया, फ्राइडे को मिलना है, लाल टोपी निकाल के रखेंगे और यही पहन के जाएंगे, तुम्हारी याद ना फुल फिल्मी और सेट अपना। अब बस हम डिसाइड करना बाकी था कि कहाँ मिल रहे। तो मेरा प्रोसीजर हुआ वेनेसडे को, थर्सडे को मैंने उसको मैसेज किया हाय, क्योंकि थोड़ा ईगो होता है वो टाइम, हेलो हेलो नहीं हाय, ऐसा डेस्परेट नहीं दिखना, रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा डेस्परेशन दिखाने का वक्त हो गया, हे देख रहा अल्फाबेट बढ़े जा रहे हैं अभी, नो रिप्लाई, हेलो। मैंने कहा चलो पॉइंट पे आते, ये हाय हे हेलो तो लग गए हमारे। तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार वी आर सपोज टू मीट टुमारो, वेयर आर वी मीटिंग, आई माइट बी बिजी आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि डेस्परेट नहीं दिखना, मैसेज ही नहीं आ रहा। मैंने कहा यार भगवान। तो द डे पास्ड, नो रिप्लाइज। फ्राइडे आया, फ्राइडे को सुबह को एक न्यूज आर्टिकल था कि एक लड़का था जो बारिश के मौसम में बाइक भगाया जा रहा था और अचानक उसकी बाइक स्किड हो गई और वो गिर पड़ा, और उसके साथ जो उसकी दोस्त थी वो गुजर गई,
और फोटोज बंदी का था। मेरा मोमेंट फिर रह गया। और वो लाल टोपी मैंने अभी भी अपने पास संभाल के रखी है, नॉट बिकॉज वो मुझे उसकी याद दिलाता है, ऑफ कोर्स दिलाता है, बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज वो मुझे ये याद दिलाता है कि जिंदगी आज जीना कितना जरूरी है, कल के लिए नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका इजहार आज ही कर दो। माँ बाप से अगर कोई बात कल के लिए छुपा के रखिए तो वो आज ही बता दो। दोस्त को अगर कहना ना कि तू मेरा यार है, तू मेरा भाई है, तो आज बताओ। जिंदगी क्या कहे यार, बहुत छोटी है, कल होना हो।